हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में एरे में शिफ्ट मेथड के बारे में। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, कुछ बातें करना चाहूंगी आप लोगों से। मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूं क्योंकि ऑफिस टाइमिंग चेंज हो चुका है। पहले क्या करते थे, काम जो था हमारा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं वीडियो अपलोड कर लेती थी। अब क्या हो गया, वर्क फ्रॉम ऑफिस हो गया है तो टाइम ही नहीं मिलता। एक संडे मिलता है, उसमें बहुत सारा काम होता है तो कर ही नहीं पाती हूँ वीडियो अपलोड। आज मुझे टाइम मिला तो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, मे बी आज शाम तक इसको अपलोड भी कर दूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड करूंगी मे भी, लेकिन हो सकता है देर में वीडियो जाए तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरे में शिफ्ट मेथड के बारे में। तो मैंने एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट लिया है, default.html नाम से, ठीक है। इसमें एक एरे ले लिया है फ्रूट्स नाम का, जिसमें हमने फ्रूट्स के नाम दे दिए हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो था पॉप मेथड के बारे में। पॉप मेथड में होता क्या था कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते थे। बट क्या हो कि अगर हमें फ्रंट मतलब स्टार्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट मेथड। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा होगा पॉप मेथड का तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे। तो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, इसमें कुछ फ्रूट्स के नाम है। अगर मुझे आगे का एलिमेंट को डिलीट करना है, मीन बनाना डिलीट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट आपके एरे का नाम है, तो एरे का नाम क्या है, फ्रूट डॉट शिफ्ट मेथड। ये रहा आपका शिफ्ट, ये ले लिया आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कहीं पे स्टोर भी कर सकते हैं, किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी वैल्यू को दिखा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इस पूरे को कंसोल लॉग करा सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको मैं क्या कर लेती हूँ, किसी चीज में स्टोर कर लेती हूँ, कॉन्स्टेंट, और क्या लिखते हैं, डेल एलिमेंट लिख लेती हूँ मैं, जो एलिमेंट को डिलीट करना है। ये ले लिया, अब मैं इसको क्या कर ले रही हूँ, कॉन्सोल करा ली हूँ इस डेल एलिमेंट को, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दे रही हूँ। है तो आप इसको डायरेक्ट भी कॉन्सोल करा सकते थे, इतना देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका शो होगा आउटपुट, तो देखिए आपका बनाना एलिमेंट डिलीट हो गया है। कैसे पता चलेगा, देखिए जो शिफ्ट मेथड रिटर्न करता है डिलीटेड एलिमेंट को ही, जो आप डिलीट कर रहे हो वही एलिमेंट आपको शो करेगा, वो रिटर्न करेगा। अगर आप वापस एरे को चेक करेंगे, ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले करा देती हूँ, तो देखिएगा इसमें से बनाना गायब हो चुका होगा। रन कराते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से बनाना अभी ऑरेंज एप्पल मैंगो दिख रहा है, यहाँ से बनाना गायब हो चुका है क्योंकि हमने शिफ्ट मेथड के थ्रू उसको डिलीट कर दिया है। तो ये तो आपका हुआ जावास्क्रिप्ट में शिफ्ट मेथड। पॉप मेथड यूज करते हैं हम लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, शिफ्ट मेथड यूज करते हैं हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए एरे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।